खबर है, मेडिकल के कार्यवाहकों की पहली अग्नि परीक्षा है। बात राजधानी में आज प्रस्तावित मेडिकल शटडाउन से जुड़ी खबर की हम कर रहे हैं। दरअसल आईएमए के आह्वान पर सभी मेडिकल संगठनों ने दे रखा है बंद को समर्थन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने पहले से कर रखा है संपूर्ण कार्य बहिष्कार, जबकि मेडिकल टीचर्स ने भी 24 घंटे रूटीन कामकाज का बहिष्कार किया। इस दौरान इमरजेंसी आईसीयू और आईपीडी में ही सेवाएं मेडिकल टीचर्स देंगे। कुछ ऐसे तरह से हालात आरयूएचएस विश्वविद्यालय में भी नजर आ रहे हैं। राजधानी की इस मेडिकल इमरजेंसी को देखा जा रहा है। आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और एसएमएस अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी की प्रशासनिक योग्यता के इम्तिहान के रूप में। सवाल यह है कि प्रशासनिक पद आईसीयू और आईपीडी में ही सेवाएं मेडिकल टीचर्स देंगे। कुछ इसी तरीके से हालात आरयूएचएस विश्वविद्यालय में भी नजर आ रहे हैं। राजधानी की इस मेडिकल इमरजेंसी को देखा जा रहा है। आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और एसएमएस अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी की प्रशासनिक योग्यता के इम्तिहान के रूप में। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग। इस खबर से संबंधित और जानकारी बताइएगा, कितनी बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो सकती है आम जनता के लिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मैडम। जिस तरह से कल का जो घटनाक्रम था, आज पूरे प्रदेश भर के अंदर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए हैं, तो उनके बीच में आज सबसे बड़ी अगर टास्क किसी की रहेगी तो रहेगी राजधानी जयपुर के अंदर कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासकों की। बिल्कुल, प्रशासकों की बात करें, चाहे वो बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की, तो वहां पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में प्राचार्य लगाए गए हैं दीपक माहेश्वरी, उसके अलावा अधीक्षक हैं सुशील भाटी और साथ में कुलपति आरयूएचएस की कुलपति हैं डॉक्टर, कार्यवाहक कुलपति हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। इन तीनों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी आज, क्योंकि पूरा प्रशासन इनके जिम्मे रहेगा। आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में और खासतौर पर जयपुर के अंदर मेडिकल इमरजेंसी की जैसी हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो मेडिकल के रेजिडेंट हैं वो पिछले लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं, अवकाश में चल रहे हैं, संपूर्ण कार्य बहिष्कार उनके, देखिए सबसे चिंता वाली बात है, इमरजेंसी तक को उन्होंने कार्य बहिष्कार के दायरे में ले रखा है। वहीं दूसरी ओर आज मेडिकल टीचर्स है, उन्होंने भी पेन डाउन ओपीडी की हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा आईएमए के आह्वान पर सेवारत चिकित्सकों ने भी अपना कार्य बहिष्कार जो है उसको समर्थन दिया है। इसके अलावा जितने भी निजी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी है। तो कुल मिला के बात करें, आज जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में कोई गंभीर मरीज होता है तो उसको इलाज मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सरकार ने पिछले दिनों तीन महत्वपूर्ण पदों पर जिन लोगों को कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी दी थी, उन लोगों की आज एक अग्नि परीक्षा है, पहली अग्नि परीक्षा कह सकते हैं इसको, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से काम करना चाहिए। और ऐसे हालात में जब उनके पास कुछ भी नहीं है, उस हालात में जो जरूरतमंद मरीज है, क्योंकि देखिए मरीज जो है उनको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, एक बहुत ही सुपर क्रिटिकल, एक क्रिटिकल और एक सामान्य। अगर सामान्य मरीज को इलाज नहीं मिलता है तो हो सकता है वो कल इलाज करा लेगा, परसों इलाज करा लेगा, लेकिन अगर सुपर क्रिटिकल कंडीशन का मरीज आता है और उसको इलाज नहीं मिल पाता तो वो अपनी जान गंवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इन मरीजों के बीच में जो वेरिफिकेशन है वो कैसे किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा कि कौन सा मरीज को तत्काल जरूरत है, और इन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इस आंदोलन के बीच का रास्ता निकाला जाए, इसमें
जो रेजिडेंट है उनसे बात की जाए, क्योंकि अगर रेजिडेंट और अन्य डॉक्टर जो है अगर वो इमरजेंसी सेवाओं को भी संभाल लेते हैं तो काफी हद तक मरीजों को राहत मिल सकती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं आज का जो आंदोलन है वास्तव में, देखिए जिस तरह से कोलकाता की घटना हुई थी शर्मसार करने वाली घटना थी, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन इस घटना का जो कह सकते हैं साइड इफेक्ट पूरे देश भर के मरीज इस वक्त उठा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो धरती का भगवान, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको कहा जाता है कि धरती के भगवान है, और ये वर्ड जो उनके लिए लिखा गया है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया है कि धरती पर ये वो लोग हैं जो लोगों को जीवन दान देते हैं, मरणासन स्थिति में जब मरीज पहुंच जाता है, लोग पहुंच जाते हैं तो उनको वापस से एक नई जिंदगी देने का काम ये लोग करते हैं, इसलिए इनको धरती का भगवान कहा जाता है। ये लोग अगर रूठ जाएंगे, ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी से दूर भगेंगे, ये लोग अगर इस तरह से आंदोलन करेंगे तो उसका खामिया जो है सीधे तौर पर मरीजों को अपनी मौत के रूप में चुकाना पड़ेगा। लेकिन विकास जी, सरकार भी इस पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री की तरफ से भी निर्देशित किया गया था, और इसलिए ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह ने बातचीत भी की थी जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी। उस बातचीत के दौरान क्या रहा था, और कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है, इमरजेंसी नंबर भी आम जनता के लिए सरकार की तरफ से जारी किया गया है? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो, उनके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर कल देर रात तक इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते नजर आए, लगातार अधिकारियों संपर्क करते नजर आए, और साथ में अधिकारियों ने बात करें ACS शुभ्रा सिंह जो है वो कल पूरे दिन भर अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने, और उनसे एक ही आग्रह किया गया कि ये आंदोलन एक जायज आंदोलन मान सकते हैं, इसके अंदर जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है, इस तरह की घटना कहीं नहीं बननी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा उन मरीजों को नहीं भुगतना चाहिए जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाए, लेकिन जो सभी संगठन है उन्होंने इस चीज को नकार दिया। हालांकि मेडिकल टीचर जो है वो इमरजेंसी सेवाएं देंगे, लेकिन इस तरह और तमाम जो संगठन है, तमाम जो और रेजिडेंट है, तमाम जो और निजी डॉक्टर्स है, उन्होंने सबने इस कल का जो 24 घंटे का कार्यविष्कार है उसको पूरा समर्थन दिया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने एक कंट्रोल रूम स्थापित की है, कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं, और इस कंट्रोल रूम पर कोई इमरजेंसी होने पर लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राउंड द क्लॉक जो निदेशक स्तर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा तमाम जो जिले हैं उन जिलों में भी CMHO समेत अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आपातकालीन स्थिति में मरीजों का ध्यान रखें, किसी भी तरह की स्थिति नहीं बने। इसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर है।